अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। मध्य प्रदेश में सरकार गंवाने के बाद अब कांग्रेस जीती हुई बाजी हारने के मूड में नहीं है। राजस्थान में भाजपा के दो नेताओं की गिरफ्तारी के बाद कम से कम यही संकेत मिल रहे हैं। इन नेताओं को यह कहते हुए गिरफ्तार किया गया कि सीएम अशोक गहलोत व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। वे ये भ्रम फैलाकर सरकार गिराने की साजिश रच रहे थे, लिहाजा पहले दोनों से पूछताछ की गई और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। माना जा रहा है कि संभवतः यह अपने आप में पहला ऐसा मामला है जिसमें सरकार गिराने की साजिश में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में विधायकों की खरोंद फरोख्त मामले में ब्यावर के दो भाजपा नेताओं भरत मालानी और अशोक सिंह का नाम सामने आया है। राजस्थान SOG के मुताबिक मालानी की कॉल रिकॉर्डिंग से पता चला कि विधायकों की खरीदने की कोशिश की जा रही है। इस खुलासे के बाद SOG ने भरत को हिरासत में ले लिया, बाद में उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया। फिलहाल जयपुर में उनसे पूछताछ की जा रही है। भरत मालानी राजस्थान BJP में कई पदों पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। राजस्थान में सरकार गिराने की कोशिशों को लेकर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने केस दर्ज किया है। FIR के मुताबिक स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को कुछ फोन नंबरों के रिकॉर्डिंग के दौरान पता चला कि अशोक गहलोत सरकार को गिराने की साजिश चल रही है। FIR के अनुसार ऐसी बात फैलाई जा रही है कि राजस्थान में CM और डिप्टी CM में झगड़ा चल रहा है। ऐसी स्थिति में कुछ ताकतें निर्दलीय और कांग्रेस के विधायकों को तोड़कर इस सरकार को गिराना चाहते हैं। FIR में आरोप है कि BJP नेता विधायकों को धन का प्रलोभन देकर अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।